हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर का मिनिमम वायर वैल्यू कितना होना चाहिए और इसको कैसे टेस्ट करते हैं जानते हैं। सबसे पहले हम लोग मिनिमम वायर वैल्यू ट्रांसफार्मर का कितना होना चाहिए जानते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर दिखाया गया थ्री फेज ट्रांसफार्मर, जब वो स्टार में कनेक्ट हो उसका बाइंडिंग, यहाँ पे थ्री फेज ट्रांसफार्मर दिखाया, जब वो डेल्टा में कनेक्ट हो तब उसका फार्मूला दिखाया गया है, जब स्टार में कनेक्ट हो तो उसका एयर वैल्यू का फार्मूला मिनिमम इतना होना चाहिए दिखाया गया है। यहाँ पे सी क्या है? सी एक कांस्टेंट वैल्यू है। सी वैल्यू 1.5 फॉर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर कॉयल विथ ऑयल टैंक, जब हो तब, यानी 30 कब होना चाहिए? 30 फॉर विदाउट ऑयल टैंक और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कॉयल। इस फार्मूले में सी का वैल्यू पुट करेंगे। वोल्टेज फेस टू फेस, ये जो पी पी दिखाएगा नहीं, फेस टू फेस वोल्टेज रहेगा, फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल थ्रू अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में फॉर 1000 KVA ट्रांसफार्मर के लिए, यानी एच बी साइड 11 KVA है, एल बी साइड में 415 वोल्ट है, थ्री फेज का पावर ट्रांसफार्मर है। तो एच बी साइड में मिनिमम आर आई आर वैल्यू कितना होना चाहिए? 1.5 इसी फार्मूले में पुट करेंगे। 1.5 इंटू वोल्टेज कितना एच बी साइड में 11 KVA, मतलब 11,000 डिवाइड बाई रूट अंडर रूट कितना है केवीए, कितना केवीए का है 1000, तो 1000 लिख देंगे। ये कैलकुलेट होने कितना आएगा? 521.76 मेगा ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और उसी तरह एलवी साइड में उसका मिनिमम आईआर वैल्यू कितना होना चाहिए? 1.5 इसी में, इसी फार्मूले में पुट करेंगे इंटू, यानी एल बी साइड में 415 वोल्ट है, 415 डिवाइड बाई अंडर रूट 1000। 1000 क्या है? इसका के वी ए रेटिंग यहाँ लिख देंगे। कैलकुलेट होने कितना आ जाएगा? 19.69 मेगा ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह एच बी और एल बी साइड में उसका मिनिमम आयर वैल्यू कितना होना चाहिए हम लोग कैलकुलेट किए, और कैसे टेस्ट करते हैं आयर वैल्यू, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ टू इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ऑफ थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर बाई मेगर। यहाँ पे दो मेगर दिखाया गया, एक एनालॉग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर है, दूसरा डिजिटल इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर है। तो यहाँ हम लोग एनालॉग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर से कैसे टेस्ट करेंगे जानेंगे। यहाँ पे एक हैंडल दिखाया गया है जो 120-130 RPM पे क्लॉक वाइज रोटेट किया जाएगा, जब टेस्ट करेंगे। यहाँ पे इसका रेंज 0 to infinite तक मेगा ओम रहता है। यहाँ पे एक टर्मिनल अर्थ कार्ड और लाइन टर्मिनल रहता है इसमें। यहाँ पे एक जो मेगर दिखाया गया है, लाइन गार्ड और टर्मिनल दिखाया गया है, इसका हैंडल है। इसको आईआर टेस्टिंग एच बी और अर्थ एच बी टू अर्थ में इसका आयर वैल्यू टेस्ट करेंगे। गार्ड जो टर्मिनल है इसका वायर से इसके जो एल बी साइड में जो LB1 LB2 को ऐसे लूप करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे गार्ड से, और एल साइड को जो एल टर्मिनल है इसको एच बी साइड में ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे कनेक्ट करके लूप करके यहाँ लाइन से कनेक्ट कर देंगे। और जो अर्थ का जो इधर टर्मिनल है इसको ट्रांसफार्मर के बॉडी से कनेक्ट करेंगे, फिर 120-130 RPM से इसको रोटेट करेंगे क्लाक वाइज, जो वैल्यू आएगा उसको नोट करेंगे। उसी तरह यार वैल्यू एच बी एंड एल बी साइड में टेस्ट करेंगे। यहाँ एक मेगर से एल टर्मिनल को इस एच बी एन साइड से एच बी वन एच बी टू यानी एच बी साइड से इसको लूप कर देंगे तीनों जगह, फिर इसको एल टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और इसको ई पॉइंट को, मेगर के ई पॉइंट को ट्रांसफार्मर के बॉडी से कनेक्ट कर देंगे, और फिर ई पॉइंट को एल बी साइड में ऐसे ले जाके लूप कर देंगे। फिर इस मेगर के हैंडल को 120-130 RPM के रोटेट करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसको नोट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह हमने बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।